मैं मोहम्मद साकिब लाइफ इन ब्यूंडी से। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान बैठे हुए हैं, दिलसाद, जिनका नाम दिलसाद है। और दिलसाद भाई ब्यूंडी शहर का बहुत बड़ा मुद्दा, जो अहम मुद्दा है वो उठाए हैं, जिसका नाम है इंदिरा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। ये 9 तारीख 11 महीना को इंदिरा हॉस्पिटल में ज्ञापन सौंपे थे, उनका आज ये जवाब आ गया है और इनसे हम बातचीत करेंगे। दिलसाद भाई, जैसे कि आप इंदिरा हॉस्पिटल में एक ज्ञापन दिए थे, उस पर आपको ये जो लेटर के थ्रू जो जवाब आया है, क्या चीज़ है ये आप बताना चाहेंगे? मैं जो अभी एक हफ्ता पहले भिवंडी के अंदर जो एक IGM हॉस्पिटल एक लौता है, इसके कई दिनों से मेरा मामला चल रहा था। मेरे पर्सनल घर में जो मेटेरियल हुए उसको लेके मैं इंदिरा के ऊपर कार्रवाई कर रहा था। उसके बाद इनका कोई जवाब ना ऐसा आ नहीं रहा था कि इंदिरा में क्या सुधार हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक लेटर उनको दिया था कि अगर आप 3 दिन में इंदिरा के अंदर सुधार नहीं करते हो, 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहा, ये जो भी मशीनें या एक्सरा सोनोग्राफी जो भी चीज़ें की ज़रूरत है तो वहाँ पे अगर नहीं रहा तो उसको बंद किया जाए। मैंने एक ऐसा लेटर दिया था उनको 9 तारीख को। उसका जवाब ये आया कि इनके पास 100 इमरजेंसी 100 खाट है और 10 इमरजेंसी वो खाट है। और इनको एक मिनट 10 जो खाट आप बता रहे हो इमरजेंसी का है, हाँ, क्या ये सुविधा आपको वहाँ नज़र आती है? नहीं, मेरे को आज तक तो जितने भी इनके पास इमरजेंसी पेशेंट जाते हैं, ये सारे पेशेंट मुंबई और थाना ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये जो पेशेंट इसलिए आगे भेजा जाता है क्योंकि इनके पास डॉक्टर ही नहीं है। जब डॉक्टर रहेंगे 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे तो पेशेंट बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। इनके पास ना जो भी सुविधा होनी चाहिए जनता के लिए आज तक नहीं है, क्योंकि ये इंदिरा ने हमको उसका जवाब दिया है। इनके पास क्या है और क्या नहीं है इसके अंदर उन्होंने पूरी मालूमात दे दी है। इस मालूमात के बाद हमको ऐसा लगा कि वाकई इंदिरा को बंद कर देना चाहिए। जैसे दिलसाद भाई, भिवंडी में जो इंदिरा हॉस्पिटल है, आप बोल रहे हो कि उसमें कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत से ऐसे पेशेंट है जिसकी डिलीवरी का मामला होता है या छोटा मोटा जो हादसा होता है उसका भी वहाँ इलाज होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना कि वहाँ पर बुखार की दवा मिलती है, खांसी की दवा मिलती है, समझे, छोटी मोटी पट्टी और मलम लगा दी जाते हैं, वो आम जैसे एरिया में दवा खाने रहते हैं वहाँ पे वैसा दवा मिलती है। दिलसाद भाई, जैसे कि आपका कहना ये है कि छोटा मोटा इलाज होता है, लेकिन इंदिरा हॉस्पिटल डिलीवरी के मामले में भी बहुत आगे है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर डिलीवरी के मामले बहुत आगे है तो फिर उसको मुंबई और थाना कलवा साइन ये सारी जगह पर ट्रांसफर क्यों किया जाता है पेशेंट? यहाँ पे इनके पास एम्बुलेंस क्यों नहीं रहती है अवेलेबल जो पब्लिक को मिलना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा जला था जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, एम्बुलेंस के लिए वो बच्चा नहीं था, जिसमें रईस शेख का भी नाम आया था कि रईस शेख ने वहाँ से प्राइवेट एम्बुलेंस हटा दिए थे, वो बच्चे को एम्बुलेंस में ले आने की तकलीफ आई। जैसे कि इसमें तो लिखा हुआ है कि 2 एम्बुलेंस है, क्या ये 2 एम्बुलेंस है वहाँ की सुविधा है? अगर एम्बुलेंस अगर है, जिस दिन ये मुझे लेटर दिया गया उसी दिन वो बच्चा हुआ जला हुआ था, जो एम्बुलेंस का मेटर आया सामने, अगर ऐसा था तो फिर वो बच्चे को एम्बुलेंस मिलना चाहिए था। और दिलसाद भाई, जैसे कि वहाँ कितने डॉक्टर इंदिरा हॉस्पिटल में और कितने नर्स हैं, ये आपको इत्तला करा गया है क्या? मैं इनसे एक मालूमात मांगा था, टोटल इनके पास 94 लोग चाहिए, जिनके पास उनके पास नियुक्ति पद है 75, 19 की इनको वो जरूरत अभी और है, जिसमें डॉक्टर मेरे ख्याल से 3 ही है और बाकी सब अधिकारी लिखे है और लिपिक भी है, कुछ सफाई कामगार भी है, ऐसे सब मिला के टोटल इनके पास 75 है। लेकिन अगर 3 ही डॉक्टर अगर इनके पास है तो अगर हार्ट का कोई पेशेंट अगर आ जाए तो उनका कौन इलाज करेगा? अगर किसी का सर का मैटर आ जाएगा उनका इलाज कौन करेगा? अगर किसी का गले का मामला आ जाए या कान का मामला आ जाए या ऐसा कोई भी पेशेंट ऐसा या सीने का मसला आ जाए, कोई भी ऐसा बड़ा मसला आ जाए तो कौन इलाज करेगा? इनके पास ऐसा कोई है? मैं एक और एक चीज़ बता दूँ, 4 साल पहले मेरा भाई गिरा था इधर सैलार के आगे साइड, वो गिरा था जिसकी एक गर्दन में मेन नस होती वो दब गई थी। मेरे भाई को 12 बजे इंदिरा में लाके एडमिट किए थे, उसके बाद मैं रात में जब रमजान का टाइम था उसके बाद मैं 9 बजे जब गया हूँ तो मेरे भाई को कोई भी इलाज किया नहीं गया था, यहाँ तक कि ग्लूकोज तक नहीं चढ़ाया गया था, मेरा भाई उसे पेशेंट बेड के ऊपर सोया था। वो रात में मैं जब बोला डॉक्टर आया कि नहीं, बोला भी डॉक्टर आएंगे, उस डॉक्टर को आते आते रात के 11 11:30 बज गए और जैसे ही आया मैं लेके सीधा नायर गया हूँ।
तो इसका मतलब ये कि उनके पास एक्सरे नहीं हुआ, एक्सरे नहीं हुआ, सोनोग्राफी नहीं हुई, कोई भी चेकअप नहीं हुआ। इसका मतलब कि इंदिरा कितना अच्छा इलाज करता है, कितनी सारी सुविधा दे रहा है जनता को, हम अपनी आंख से देख रहे हैं। जैसे कि दिलसाद भाई इसमें कुछ मशीने का भी नाम लिखा हुआ है, क्या ये मशीन का वहाँ सुविधा मिल रही है? यहाँ पे देखो लिखा है एक सोनोग्राफी मशीन है उपलब्ध है, फिर दूसरा लिखा है रेडियो सेंटर उपलब्ध है, लेकिन है बंद है, इनके पास डॉक्टर नहीं है। जैसे कि दिलसाद भाई वहाँ ये सब जो मशीने उपलब्ध हैं लेकिन बंद है, विधायक जी और भी अपने जो अपना पूर्व विधायक हो जो पश्चिम विधायक हो, दोनों तरफ के जैसे ईस्ट और वेस्ट के जो दोनों तरफ के विधायक हैं वो वहाँ जाके ओपनिंग करते हैं, उद्घाटन करते हैं, हाँ, और ये मशीन अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? अब बताइए इसमें लिखा है कि मशीन है लेकिन बंद है, और हमारे जो MLA बोलो, MP बोलो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि जो जो पुराने भी थे और जो नए आए सभी MLA की बात कर रहा हूँ, उनको रिबन काटने का बड़ा शौक था, कोई पहले जाके रिबन काटा, कोई बाद में जाके रिबन काटा, लेकिन मशीन चालू नहीं करवाए और पब्लिक को बोले हमने सारी सुविधा कर दी, हम ये मशीन लाए, हमने इतना फंड लाए, हमने ये लाए। अगर लाए तो जनता को सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? फिर ये मेरे को मालूम कैसे इंदिरा वाले दिए? जैसे कि देखो तो अगर मेरी बात सही है तो मैं MLA लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि दवाखाना बंद कर दो। जैसे कि दिलसाद भाई हेल्थ सेंटर जो अपने भिवंडी शहर में है, तमाम हेल्थ सेंटर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल रहने के बावजूद जो आप बता रहे हो कि उसमें हॉस्पिटल में जैसे कि सिर्फ बुखार की दवा मिलती है, वो तो हेल्थ सेंटर में ही मिल सकता है। मैं तो वही बताना चाहता हूँ जो अपने आरोग्य में हर एरिए में जो चला है, आंगनवाड़ी में भी लोगों को बुखार की, खांसी की, TB की, ये सब दवा मिलते रहती है, तो वो चीज़ इंदिरा में भी हो रही है, तो एक छोटे से दवा खाने में एरिया में होता है। तो मैं इंदिरा में वही सवाल चाहता हूँ कि इंदिरा के अंदर जैसे हार्ट का ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है, दिल और दिमाग का ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है, गले का ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है, पैर के ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे, बड़े बड़े जो ऑपरेशन होना चाहिए, किसी की अगर अतरी फट जाती है तो वो ऑपरेशन क्यों नहीं होता है, किसी का गुर्दा चेंज करना है तो वो ऑपरेशन क्यों नहीं होता है, ये बड़े बड़े इलाज क्यों नहीं हो रहे भिवंडी के अंदर? 15 लाख की आबादी और एक लौता इंदिरा है, इसको कब सुधार होएगा, ये सारे इलाज कब शुरू होंगे? मेरे को लगता है दिलसाद भाई ये इसका सुधार कुछ 2036 तक चले जाएगा। इसका सुधार 2036 में होगा या नहीं होगा, या देखो एक चीज़ तो ये कि मैंने भिवंडी की राजनीति मैंने देखी है कि भिवंडी की सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं एक पार्टी नहीं सारी पार्टी की बात कर रहा हूँ, भिवंडी के अंदर कोई भी विकास काम करना नहीं चाहती। क्यों? इसका रिजल्ट ये, अगर विकास हो जाएगा तो ना तो जनता उनको वोट देने वाली है और ना ही जनता इनके पीछे आने वाली है, बस एक मुद्दा बना के रखे है, हम इंदिरा को सुधारेंगे, हम इधर ये लाएंगे, हम इधर ये करेंगे, शहर के अंदर कुछ भी नहीं होने। दिलसाद भाई जैसे कि देखो आप बता रहे हो कि भिवंडी का विकास नहीं हो पाएगा, लाइफ इन भिवंडी जो ये चैनल है ये इसी मुद्दे पर लगातार कुछ दिनों से, आज करीबन 8 महीना और साल भर के करीब लगभग से यही मुद्दों पर काम कर रही है कि लोगों को जागरूक तो कर रही है कि लोग जागरूक तो हो जाए कि जो ये राजनीतिक पार्टी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है ये सिर्फ एक बड़ा बड़ा जो मुद्दा है वो अपने वोट बैंकिंग के लिए रुका के रखी है, नहीं तो उनको वोट कहाँ से मिलेगा अगला इलेक्शन के लिए? एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी उनका कहना था कि सबका साथ सबका विकास, आज पूरे इंडिया में देखो सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, और यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है भिवंडी शहर में सबका साथ सबका विकास, जैसे रोड का मुद्दा हो गया, हॉस्पिटल का मुद्दा हो गया, और भी बहुत से मुद्दे हैं जैसे प्लेग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी रोक के रखी है। मैं सबसे पहले तो लाइव भिवंडी का शुक्रिया अदा करूंगा कि भिवंडी के अंदर अगर कोई ईमानदारी से काम किया है, जनता को जागरूक करने का काम किया, सच्चाई दिखाने का किया, तो लाइव भिवंडी ने किया है। मैं दूसरे चैनल को तो मानता ही नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि मैं भिवंडी के अंदर कोई भी चैनल पत्रकार जो सच्ची बात लिखने को तैयार नहीं, वो एक लाइव भिवंडी है जो खुलेआम सच्ची बात, गली हो या MLA हो या MP हो, दवाखाना हो, म्यूनसिपाल्टी हो, गली गटर हर चीज़ वो लाइव भिवंडी दिखाती है। इसके लिए मैं लाइव भिवंडी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और कि वो सच्ची बात पूरी दिखाते और जनता को दिखाते और जागरूक करते हैं, वो खुद पर्सनल अपने काम वक्त को निकाल के शहर के अंदर एक अपना टाइम दे रहे हैं। जैसे कि दिलसाद भाई आपका अगला कदम क्या है, या IGM आप बंद कराओगे या सही हॉस्पिटल
उसको बना के छोड़ोगे? हमारा अगला कदम यही है, इंदिरा के अंदर अच्छे से अच्छा इलाज हो, अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। अगर ये इंदिरा वाले अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको हमारे पास एक ही मुद्दा रहेगा, इसको बंद किया जाए, फिर हम सीधा थाना और मुंबई ही जाएंगे पेशेंट लेके। अगर यहाँ ऐसा रहेगा तो फिर लोगों को तकलीफ होगी, इसी तरीके से हैरानी परेशानी होगी, इनके पास एम्बुलेंस नहीं रहेंगे, इनके पास डॉक्टर नहीं रहेंगे, ऐसे हम गरीब लोग परेशान रहेंगे। इसके लिए या तो एकदम अच्छी से सुविधा मिलेगी या तो ये बंद होगा। इसका अगला हमारा कदम कोर्ट है, हम जिसकी कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। जो इंदिरा ने हमको जवाब दिया वो हमसे खुश नहीं है, इसके अंदर इनका जवाब जो था वो सही नहीं मिला। जैसे कि दिलशाद भाई का कहना है कि ये जो इनको जवाब मिला है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो इनको जवाब मिला है, हाँ, तो इसमें दिलशाद भाई को खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि ये जो सुविधा दिए हैं वो सुविधा वहाँ पर है ही नहीं। इसके वजह से इनका अगला कदम रहेगा, ये कोर्ट से कार्रवाई करेंगे। और मैं घड़ी घड़ी यही भिवंडी शहर के और भिवंडी के जितनी भी राजनीतिक पार्टी है तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपना अहम मुद्दा ना बना के चले, सबका साथ सबका विकास वाला काम ना करें तो बेहतर होगा।